नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। चीन को बड़ा झटका, रूस ने S-400 की डिलीवरी पर लगाई रोक। देश में पहली बार कोरोना के करीब 50,000 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 14 लाख के पार। कोरोना पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों संग आज होगी बैठक, अनलॉक 3 पर होगी चर्चा। दिल्ली में सुधरने लगे कोरोना से हालात, आज मिले 613 नए मरीज, पिछले 65 दिनों की सबसे बड़ी गिरावट। नोएडा में कोरोना वायरस के 800 मरीज हुए लापता, संक्रमितों ने लिखवाया गलत पता, विभाग परेशान। उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनेंगे 100 बेड के कोविड अस्पताल, BHUL-3 में 300 बेड की होगी व्यवस्था, बोले सीएम योगी। पंजाब में एक दिन में सबसे अधिक 15 कोरोना संक्रमितों की मौत, एक दिन में दर्ज किए गए 534 नए मामले। पंजाब में अब निजी अस्पताल भी ले सकेंगे सरकार से प्लाज्मा, चुकाने होंगे 20,000 प्रति यूनिट। हरियाणा में एक दिन में 716 नए कोरोना संक्रमित मिले, प्रदेश में 116 मरीजों की हालात गंभीर। राजस्थान के स्पीकर ने बागी विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ली। फिर बोले राहुल गांधी, हमारी जमीन पर चीन ने किया कब्जा, सच्चाई को छिपाने वाले राष्ट्र विरोधी। ICC ने लॉन्च की सुपर लीग, भारत में होने वाले विश्व कप के लिए बढ़ेंगी 13 टीमें। चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक, भारत सरकार ने 47 ऐप पर लगाया बैन। दिल्ली सरकार ने शुरू किया वेब पोर्टल, रोजगार बाजार के माध्यम से नौकरी देने वालों को होगा फायदा। कांग्रेस का पूरे देश में प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है राजभवन का घेराव। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, मानकोट सेक्टर में दागे मोर्टार। पंजाब में सस्ते घर की राह हुई आसान, सरकार ने किफायती कॉलोनी नीति को किया नोटिफाई। हरियाणा के रोहतक में बड़ा हादसा, सेना भर्ती की तैयारी में जुटे किशोरों को कार ने रौंदा, 3 की मौत। हरियाणा में ग्राम पंचायतों के हिसाब से होगा फसलों का बीमा, दरें निर्धारित। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें सच कहूं। देश विदेश के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।